नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का राजस्थान यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश में लगातार गहलोत सरकार और विपक्षी भाजपा पार्टी के बीच तकरार की खबरें आती रही हैं। इसी दिशा में गहलोत सरकार ने एक बार फिर भाजपा की खिंचाई की है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक नरपत सिंह राजवी काफी दिनों से बिना अनुमति सरकारी बंगलों पर रह रहे थे, जिससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार ने दोनों नेताओं को बंगला खाली करने के निर्देश देते हुए 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माने लगाया है। ये जुर्माना राशि 23 अगस्त से लागू मानी जाएगी। जिस बंगले में अभी राजवी रह रहे हैं, ये पहले पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को आवंटित था, जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी सूरज कन्वर को ये आवास रहने के लिए दिया गया था। और सूरज कन्वर के निधन के बाद सरकार ने परिजनों को बंगला खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजवी परिवार ने इसे खाली नहीं किया। इसी के चलते गहलोत सरकार को भी एक बार फिर जाने अनजाने में ही सही भाजपा की खिंचाई करने का मौका मिल गया। उधर किरोड़ी लाल मीणा का सरकारी आवास किरोड़ी को राज्य में खाद्य मंत्री रहते हुए आवंटित हुआ था। विपद से मुक्त हुए तो पत्नी गोलमा को मंत्री बनाया गया था, ऐसे में उनकी पत्नी को आवास आवंटित किया गया। गोलमा के विधायक बनने पर उनके नाम या आवास रिटर्न रखा गया था। ऐसे में गहलोत सरकार का यह आदेश वाकई भाजपा के राज्यसभा सांसद और विधायक के लिए मुसीबत बन गया है। इस आदेश के मुताबिक अब दोनों को 23 अगस्त से अब तक प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 यानी लगभग 3.5 लाख तक का जुर्माना चुकाना होगा।